हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक गेट। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स इन सी, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंपाइलर टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शंस। ऑपरेटर सिंबल होते हैं जो कि कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा मैथमेटिकल और लॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करना है। ऑपरेटर को हम एक या एक से ज्यादा वैल्यूज और वेरिएबल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस एक ऑपरेटर है और प्लस सिंबल से हमें पता चलता है कि हमें एडिशन करना है। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यूज और वेरिएबल्स पे ये ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, तो जो सिंबल होता है एक्सप्रेशन में उसे हम ऑपरेटर बोलते हैं, और जिन पे हम इसे अप्लाई करते हैं वैल्यूज और वेरिएबल्स उन्हें हम ऑपरेंड बोलते हैं। तो सी लैंग्वेज में कई सारे बिल्ट इन ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड स्पेशल ऑपरेटर्स। तो ये 8 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इन सभी ऑपरेटर्स के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की हेल्प से हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मींस दैट दे टेक टू ऑपरेंड्स टू परफॉर्म ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम टू ऑपरेंड्स ले लेते हैं, टू वेरिएबल्स ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5। क्योंकि ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे टू ऑपरेंड्स होना कंपलसरी है। इसके अलावा जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं वो सिंगल ऑपरेंड पे भी अप्लाई हो जाते हैं, पर क्योंकि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स है तो हमने यहाँ पे टू ऑपरेंड ले लिए हैं a एंड b। तो जो अलग अलग टाइप के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो हम इस टेबल में देख सकते हैं। प्लस का जो सिंबल है उसका यूज हम एडिशन के लिए करते हैं। अगर हम a प्लस बी लिखते हैं तो आंसर आएगा 15, क्योंकि a हमने 10 कंसीडर किया है और b की वैल्यू हमने 5 ली है। माइनस सिंबल का यूज हम सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं, a माइनस बी हमें मिलेगा 5। एस्ट्रिक सिंबल जो है उसका यूज हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए करते हैं, तो a एस्ट्रिक b हमें मिलेगा 50। स्लैश का यूज हम डिवीजन के लिए करते हैं, तो रिजल्ट में हमें कोशेंट मिलेगा, a डिवाइड बाय b जो आंसर आएगा वो आएगा 2। नेक्स्ट जो सिंबल है वो है परसेंटेज, जिसको मॉड्यूलस बोलते हैं, तो यहाँ पे भी डिवीजन परफॉर्म होता है बट रिजल्ट में हमें रिमाइंडर शो होता है। तो जो भी डिवीजन हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो भी रिमाइंडर आएगा, जो भी रिमाइंडर आता है रिजल्ट का वो हमें मिलेगा। तो a मॉड्यूलस b रिजल्ट हमें मिलेगा 0, क्योंकि जब हम 10 को डिवाइड करते हैं 5 से तो 5 टू जो 10 और 2 जो है वो वहां पे आंसर आता है और रिमाइंडर जो है वो 0 आता है। यहाँ पे हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे। हमने यहाँ पे इंटीजर a इज इक्वल टू 13 लिया है और b इज इक्वल टू 4 लिया है, और अलग अलग वेरिएबल्स में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एड में हम एडिशन स्टोर कर रहे हैं, सब में हम सब्ट्रैक्शन स्टोर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई के लिए हमने MUL लिया है, डिवीजन के लिए DIV और मॉड्यूलस के लिए MOD लिया है। तो ये अलग अलग वेरिएबल्स हमने लिए हैं जहाँ पे हम इनका जो रिजल्ट है वो स्टोर करने वाले हैं। तो a प्लस बी की जो वैल्यू है वो हम एड में स्टोर कर रहे हैं, सिमिलरली a माइनस बी की सम में, a मल्टीप्लाई बी की MUL में, a डिवाइड बी की DIV में, और a मॉड्यूलस बी की वैल्यू हम मॉड में स्टोर कर रहे हैं। तो प्रिंट एफ में हम देखेंगे, प्रिंट एफ के अंदर हम देखेंगे कि एडिशन क्या आता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर। तो चेक कर लेते हैं हम। तो प्रोग्राम को रन करने से पहले हम कंपाइल करेंगे।
तो कोई भी एरर नहीं है, तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा। तो रन करते हैं हम, तो इस तरह से हमें रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि हमने ए की वैल्यू 13 और बी की वैल्यू 4 ली थी, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे एडिशन मिला है 17, सब्ट्रैक्शन आएगा 9, मल्टीप्लीकेशन 52, डिवीजन 3, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। नेक्स्ट ऑपरेटर्स हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मींस दे कैन टेक वन ऑपरेंड टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन इट। तो इन ऑपरेटर्स को हम सिंगल ऑपरेंड पे परफॉर्म कर सकते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे हम इनको परफॉर्म करके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को यूनरी ऑपरेटर्स बोलते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज हम वन ऐड करने के लिए करते हैं, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स का यूज हम वन सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते हैं। तो जब हमें वैल्यू में वन से इंक्रीमेंट करना होगा तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे, और जब वैल्यू में से हमें वन को डिक्रीज करना होगा, वन से डिक्रीमेंट करना होगा, तब हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के टू टाइप्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के भी टू टाइप्स होते हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। तो जो प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, प्री इंक्रीमेंट तो ऐड करने के लिए यूज होगा, और प्री डिक्रीमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज होगा। तो हमेशा इंक्रीमेंट से एडिशन होता है और डिक्रीमेंट से डिक्रीमेंट होता है, बट अगर हम प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट यूज कर रहे हैं तो वहां पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले होगा और जो असाइनमेंट है वो बाद में होगा। तो यहाँ पे जो भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, वन जो ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है वेरिएबल में से, वो पहले होता है और उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जबकि अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो वहां पे असाइनमेंट ऑपरेशन पहले परफॉर्म होता है और उसके बाद वन को एड या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसको अभी हम और अच्छे से समझेंगे कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या डिफरेंस होता है, उसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अभी हम इतना समझ सकते हैं कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स जो होते हैं उनकी हेल्प से हम वन ऐड कर सकते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की हेल्प से हम वन को डिक्रीज कर सकते हैं, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स टू टाइप के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट पोस्ट डिक्रीमेंट। यहाँ पे हमने टू वेरिएबल्स लिए हैं ए एंड बी। ए इज इक्वल टू है 5 और बी इज इक्वल टू है प्लस प्लस ए। तो अब अगर हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो हमें देखना है कि ए की वैल्यू क्या आती है और बी की वैल्यू क्या आती है। तो क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो पहले होगा, क्योंकि प्लस प्लस हमने प्रीफिक्स में यूज किया है, तो वन का जो इंक्रीमेंट है वो पहले हो जाएगा, मतलब ए की वैल्यू 6 हो जाएगी, और जो अपडेटेड वैल्यू है वो बी में असाइन होगी। तो इस तरह से यहाँ पे आउटपुट हमें 6 और 6 मिलेगा, ए की वैल्यू भी 6 आएगी और बी की वैल्यू भी 6 आएगी। तो जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बी इज इक्वल टू प्लस प्लस ए लिखा है, तो जब भी हम प्री इंक्रीमेंट करते हैं तो न्यू वैल्यू जो है ए की वो बी में असाइन हो जाती है। तो प्रोग्राम को हम रन करेंगे और देखेंगे क्या आउटपुट आया है। तो आउटपुट आएगा 6 एंड 6, तो दोनों ही वैल्यू 6 आई है क्योंकि ये प्री इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पोस्ट इंक्रीमेंट का यूज देखेंगे, और यहाँ पे हमने सेम एग्जाम्पल ही लिया है, सिर्फ चेंज हमने किया है बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस। तो वहां पे हम प्री इंक्रीमेंट कर रहे थे और यहाँ पे हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं, और इसके बाद हम ए और बी की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो ए में जो इंक्रीमेंट है वो बाद में होगा, इसका मतलब ये है कि बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस जब हम करेंगे तो बी में
ए की ओल्ड वैल्यू ही आएगी, मतलब बी इज इक्वल टू हमको 5 ही मिलेगा, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में ओल्ड वैल्यू आती है और बाद में उसमें इंक्रीमेंट होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू हमें 6 मिलेगी और बी की वैल्यू हमें 5 मिलेगी। तो प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो ए की वैल्यू हमें 6 मिली है और बी की वैल्यू हमें 5 मिली है। तो याद रखना है कि जब हम पोस्ट इंक्रीमेंट करते हैं, मतलब जब हमने बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस लिखा, तो ए की ही वैल्यू आ जाएगी बी में, क्योंकि इंक्रीमेंट बाद में हुआ है, तो ए की जो ओल्ड वैल्यू है वही बी में आ जाएगी। यहाँ पे हम प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो सेम एग्जाम्पल, बस इस बार हमने b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए लिखा है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने इसे प्रीफिक्स में यूज किया है, प्री डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि न्यू वैल्यू आएगी, मतलब पहले a में डिक्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद वो वैल्यू b में आएगी। तो अगर हम a और b को प्रिंट करेंगे तो दोनों ही वैल्यू 4 आएंगी। ए की वैल्यू भी 4 आएगी और बी की वैल्यू भी 4 आएगी, क्योंकि प्री डिक्रीमेंट में बी में ए की न्यू वैल्यू स्टोर होगी, और न्यू वैल्यू का मतलब है कि ए में से हमने 1 को डिक्रीज कर दिया है। तो जिस तरह से जब हमने प्री इंक्रीमेंट किया था तो ए और बी दोनों की वैल्यू 6 आई थी, उसी तरीके से अब हम प्री डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो ए और बी दोनों की ही वैल्यू 4 आ जाएगी। अब हम इसे रन करेंगे। तो रन करने के बाद जब हम आउटपुट देखेंगे तो हम देखते हैं कि दोनों ही वैल्यूज 4 आ गई हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम पोस्ट डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मीन्स बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस, और जब भी हम पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो ओल्ड वैल्यू ही यहाँ पे आती है, मतलब बी इज इक्वल टू ए माइनस माइनस हम कर रहे हैं, बट अगर हम बी को प्रिंट कराते हैं तो ओल्ड वैल्यू ही आएगी, क्योंकि इनिशियलाइजेशन पहले होता है और डिक्रीमेंट बाद में होता है। तो जब हम बी को प्रिंट कराएंगे तो बी इज इक्वल टू, अगर हम देखें तो ए माइनस माइनस है, बट बी की वैल्यू जब हम प्रिंट कराएंगे तो 5 ही आ जाएगा, क्योंकि पोस्ट डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट बाद में होगा। तो इसको अगर हम रन करते हैं, इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, तो ए की वैल्यू हमें 4 मिलेगी और बी की वैल्यू 5 मिलेगी। तो जब भी हम पोस्ट डिक्रीमेंट करते हैं तो एक्सप्रेशन में जो ओल्ड वैल्यू होती है वही यूज होती है। तो ओल्ड वैल्यू ए की 5 थी तो वही आएगी। तो प्रोग्राम को हम रन कर लेते हैं। तो जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ए की वैल्यू हमें 4 मिलेगी और बी की वैल्यू 5 मिलेगी। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट किस तरह से वर्क करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।